वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय यानी कि BBSP जौनपुर, BA, BSc, BCom, MA, MSc, MCom, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या फिर थर्ड ईयर, आप सभी छात्रों के लिए एक बड़ी अपडेट्स आ रहा है और लंबा इंतज़ार जो है वो समाप्त तो हो चुका है आप सभी छात्रों का। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उससे ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर आपके टाइम टेबल वगैरह अपलोड हैं, आप उसको देख सकते हैं, उसी के तहत आपकी परीक्षाएँ होंगी। और इस वीडियो को साथियों के पास शेयर कर दीजिएगा जिससे कि वे भी अपडेटेड रहें। अब यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसका हम लोग कंप्लीट जानकारी लेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उसमें बोला गया है कि समझ संबंधित को सूचित किया जाता है कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से संबद्ध महाविद्यालयों में मुख्य परीक्षा 2023 यानी कि अंतिम बार और जनपद आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, यानी कि आप जानते हैं कि यही अंतिम वर्ष है, इसके बाद से आजमगढ़ और मऊ हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे, यहाँ पर वार्षिक परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी। और इसके बाद देखेंगे प्रयागराज के भी स्टूडेंट हैं और स्नातक तृतीय वर्ष यानी कि जो UG थर्ड ईयर में हैं और संस्थागत हैं, भूतपूर्व हैं, व्यक्तिगत हैं, और इसके अलावा स्नातक द्वितीय वर्ष में हैं, भूतपूर्व व्यक्तिगत हैं एवं PG के द्वितीय वर्ष के संस्थागत, भूतपूर्व व्यक्तिगत एवं स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष, यानी कि सभी का जो परीक्षा फॉर्म है एक मौका मिला है कि जो छात्र भूतपूर्व वगैरह हैं वो भी अपना फिल करेंगे। और इसके अलावा जो इस वर्ष 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं थर्ड ईयर का, उनका भी फॉर्म आ चुका है, यानी कि यहाँ भी जितने भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट 2023 परीक्षा देंगे उनका फॉर्म आ चुका है और 18 तारीख से भरी जाएंगी। इसके अलावा जो यहाँ पर देख सकते हैं भूतपूर्व हैं और व्यक्तिगत हैं, यानी कि इसमें रेगुलर प्राइवेट सभी छात्र हैं। और इसके बाद यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग तो ऑनलाइन पंजीकरण एवं परीक्षा फॉर्म भरने की जो तिथि रखा गया है 18 तारीख से 25 तारीख के बीच रखा गया है। और इसके बाद महाविद्यालय द्वारा परीक्षा फॉर्म में संशोधन एवं सत्यापन जो होगा आपका 26 से 28 के बीच रखा गया है। और इसके बाद जो है पंजीकरण शुल्क सहित परीक्षा शुल्क ऑनलाइन जमा करने की तिथि जो रहेगी वो 30 तारीख से 31 के बीच रखी गई है। और विश्वविद्यालय में नॉमिनल रोल की हार्ड कॉपी जमा करने की तिथि रखी गई है 1 से 2 तारीख के बीच में। और इन डेट्स का ध्यान रखते हुए समय कम है, अपना फॉर्म फिल कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करिएगा।